नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँ। देखु आरबीआई तरफ बहुत बड़ निजुक्ति आसी ओडिशार 30 जिलार सब प्रार्थी मैंने आप्लाई करें। जो मैंने आम चैनल को फर्स्ट टाइम पर देखुंट वीडियो को गोटे लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करूँ। सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने सबुदिन नोटिफिकेशन पाई। आसंतु वर्तमान वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। देखंतु आरबीआई तरफ निजुक्ति बाहरी जहाँ को आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते आरबीआई तरफ असिस्टेंट पोस्ट पर टोटल 950 पोस्ट पर वैकेंसी बाहरी। जो मैंने अप्लाई करने को चाहते आपण मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण मैंने वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण मैंने संपूर्ण रूपे बुझिपारे। आपण मानक वीडियो माध्यम रे गोटे छोटिया अपडेट देवाक चाहूँगी। जो मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे दीची। आपण मैंने लिंक उपरे क्लिक करी टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु, किंबा आपण मैंने टेलीग्राम रे महेश्वर सेठी सर्च कर जॉइन हो पारे। टेलीग्राम माध्यम रे आपण मैंने सबुदिन इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट पाइपर। देखंतु एठी ऑफिशियल वेबसाइट लिखाई www.rbi.org.in। आपण माने एही वेबसाइट को आसी अधिक इनफॉर्मेशन मध्य पाई परिबे। देखंतु आपण माने 17 फरवरी 2022 रु ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे। अप्लाई करिवार लास्ट डेट होउची 8 मार्च 2022। आपण माने 8 मार्च 2022 पूर्वरु अप्लाई करि दियंतु। आपण मानकर एग्जाम हबो मे 2022 रे। आपण माने एठी डिटेल्स देखिपारे आरबीआई रो केऊ ऑफिस पई केते पोस्ट वैकेंसी बाहरी। देखंतु टोटल 950 पोस्ट पई वैकेंसी बाहरी, सेथि मध्यरु भुवनेश्वर पई 31 पोस्ट वैकेंसी बाहरी। एबे जानंतु एज लिमिट एथिरे मिनिमम एज 20 वर्ष रखा जाइछि, मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा जाइछि। आपण मानकर 1 फरवरी 2022 रु एज काउंट करा जिवो। ता सहित एथिरे एससीएसटी कैटेगरी रो पिला मानक पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखा जाइछि, ओबीसी कैटेगरी रो पिला मानक पई 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखा जाइछि, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रो पिला मानक पई 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखा जाइछि। मु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, अप्लाई करिया पई लिंक, पीडीएफ फाइल लिंक दे देइछि। आपण माने डिस्क्रिप्शन को जाई चेक करंतु। एबे जानंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जदि आपण माने बैचलर डिग्री पास करिथिबे ताहाले आपण माने एही पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे। जे मानकर बैचलर डिग्री रे 50% मार्क अछि सेही माने आरबीआई रे चाकरी करि परिबे, किंतु एससीएसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट पिला माने ओनली पास हेथिले मध्ये सेही माने अप्लाई करि परिबे। एबे देखंतु स्कीम ऑफ सिलेक्शन, एथिरे आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हबो, मेन एग्जाम हबो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंस टेस्ट हबो। आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे इंग्लिश लैंग्वेज रु 30 क्वेश्चन आसिबो, 30 मार्क एग्जाम हबो। न्यूमेरिकल एबिलिटी रु 35 क्वेश्चन आसिबो, 35 मार्क एग्जाम हबो। रीजनिंग एबिलिटी रु 35 क्वेश्चन आसिबो, 35 मार्क एग्जाम हबो। टोटल 100 क्वेश्चन आसिबो, आपणकर 100 मार्क एग्जाम हबो। आपणकु 60 मिनिट टाइम दिया जिवो। एबे जानंतु आपणकर मेन एग्जाम रे कौन सब आसिबो। रीजनिंग रु आपणकर 40 क्वेश्चन आसिबो, 40 मार्क एग्जाम हबो। इंग्लिश लैंग्वेज रु 40 क्वेश्चन आसिबो, 40 मार्क एग्जाम हबो। न्यूमेरिकल एबिलिटी रु 40 क्वेश्चन आसिबो, 40 मार्क एग्जाम हबो। जनरल अवेयरनेस रु आपणकर 40 क्वेश्चन आसिबो, 40 मार्क एग्जाम हबो। कंप्यूटर नॉलेज रु आपणकर 40 क्वेश्चन आसिबो, 40 मार्क एग्जाम हबो। टोटल 200 क्वेश्चन आसिबो, एथिरे आपणकर 200 मार्क एग्जाम हबो। आपणकु 135 मिनिट टाइम दिया जिवो। जदि आपणकर किछि डाउट अछि ताहाले कमेंट करंतु, मु रिप्लाई देबी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंस टेस्ट रे आपणकु ओडिया आसुथिबाकु पडिबो। आपणकु ओडिया लेखिबार पढिबार कहिबार आसुथिले आपण माने एही पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे। पे अफ स्केल देखंतु, एथिरे आपणकु सैलरी केते मिलिबो जानंतु। आपणकु एथिरे स्टार्टिंग रे 20700 टंका सैलरी मिलिबो, तापर आपणकर सैलरी इनक्रीज हेकि जिवो। एबे जानंतु एग्जाम सेंटर आपणकर ओडिशार केउठारे एग्जाम हबो जानंतु। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपणकर ओडिशार बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाळ, राउरकेला, संबलपुर ठार हबो। सेमिति मेन एग्जाम आपणकर ओडिशार बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला रे हबो। हाउ टू अप्लाई, एथिरे आपण माने केमिति अप्लाई करिवे जानंतु। एथिरे आपण मानकु ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करिया को पडिबो।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଏଥିରେ SC ST PWBD ଏକ୍ସର୍ଭିସମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ OBC ଜେନେରାଲ୍ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 450 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ।